प्रणाम है मेरी माता सज्जनों, आप सबके श्री चरणों में असंख्य बार मेरी चरण वंदना, बहु बार चरण वंदना स्वीकार कीजिएगा। पिछले रविवार को जो चर्चा की थी, थोड़ी सी चर्चा को याद दिलाते हुए साधु चलूं। परमेश्वर की करनी में कोई दोष नहीं, कोई त्रुटि नहीं, कोई अन्याय नहीं, कोई अत्याचार नहीं। गीताचार्य भगवान श्री कृष्ण भगवान के लिए अपने लिए ये कहते हैं, जो परमात्मा को परम सुहित एकांगी उपकारी, एकांगी प्रेमी मित्र, जो उसे ऐसा स्वीकार करता है, जो उसे ऐसा पहचानता है, वह शांति लाभ करता है। विद इमीडिएट इफेक्ट, ये सब कुछ जैसे ही भक्त ऐसा स्वीकार करता है, साधक ऐसा स्वीकार करता है, मेरे सिर पर मेरा साई बैठा है, मुझे चिंता किस बात की, तत्काल परम शांति को लाभ कर लेता है। उसकी चिंताएं दूर हो जाती हैं, उदासी मिट जाती है, बेचैनी उसकी दूर हो जाती है। वह सिर्फ एक ही चीज पर रहता है, मुझे सिर्फ चिंतन करने की जरूरत है, चिंता करने की जरूरत नहीं, मेरी चिंता करने वाला कोई बैठा है। यदि परमात्मदेव उस दिन यमदूत की बात मान लेते, आपको याद है ना, यमदूत क्या कहता है, क्या चाहता है, विधाता से यही चाहता है कि ये जो मरी पड़ी है, इसके साथ इसकी तीन पुत्रियां भी पड़ी हुई हैं, अभी दो घंटे पहले, एक घंटा पहले यही इनका जन्म हुआ है, यदि मैं इसकी आत्मा को आपके पास पहुंचाता हूं तो साथ ही साथ ये तीन पुत्रियों की मृत्यु हो जाएगी। अतः विधाता आप कृपा करो, करुणा वन परमेश्वर, हैव मर्सी अपॉन अस ऑल, हमारे ऊपर करुणा दृष्टि डालो परमात्मा, इसको 10 वर्ष और आयु दे दो, तब तक ये बच्चियां बड़ी हो जाएंगी। ये अपनी फरियाद यमदूत परमात्मा के सामने जाके विधाता के सामने रखता है। तनिक विचार करो साधकों, हम तो यही चाहते हैं ना कि जो हम चाहते हैं वह परमात्मा करे। यदि परमात्मा ने ऐसा कर दिया होता, 10 साल तक उस वृद्धा को या महिला को आयु और दे दी होती, तो 10 साल के अंदर एक भिखारण की तीनों पुत्रियां भिखारण ही बनती हैं। एक परमात्मा की प्लानिंग तो, उसकी योजना तो बड़ी भिन्न थी। उसने तो इन्हें एक सेठानी के घर पहुंचा के, वहां पालन पोषण करवा के, तो इन तीनों को सेठानियां ही बना दिया हुआ है। ये परमात्मा की योजना है। बदकिस्मती साधक चलो, हमारी अज्ञानता कहिए, कुछ भी कहिएगा, ये है, हम उसकी करनी को जान नहीं पाते हैं, इसलिए दुखी रहते हैं, चिंतित रहते हैं, बेचैन रहते हैं, उदास रहते हैं। कभी कभी भक्त बहुत प्यार से परमात्मा से कहता है, परमात्मा देव कैसे पता चले आप क्या चाहते हो, बताते क्यों नहीं। कभी कभी प्रेम में आके तो भक्त परमेश्वर से ये फरियाद करता है, यदि बता दो तो सारी उदासी चिंताएं इत्यादि सब खत्म हो जाए, मिट जाए। बताता भी होगा किसी किसी को, ऐसा नहीं कि वह बताता नहीं है। यदि कोई फरियादी सच्चा है, उसकी भक्ति ठीक है, सही है, निष्कपट है, निष्काम है, इत्यादि इत्यादि अनन्य है, तो वह बताने में कोई परहेज नहीं करता, ये मान के कि ये मेरा ही तो काम कर रहा है, ये सब कुछ अपने पास ही रखेगा,
इन ढुंढोरा नहीं पिटाएगा कि मुझे इन बातों का पता है, मुझे इस बात का पता है। ये तो ऐसे ही रखेगा जैसे मैं गुप्त रखता हूं, वैसे ही ये गुप्त रखेगा। पर इसको बताने से कईयों का भला हो जाएगा, इसलिए वह अपने गुप्त भेद भी किसी किसी के साथ खोल देता है। ये परमात्मा की अनुकंपा है, ये उस भक्त की कोई महिमा नहीं है, परमात्मा की अहित की कृपा है उसके ऊपर कि वह ऐसा उसके साथ करने लग गया है। परम सुहृद है परमात्मा, ऐसी जानकारी साधकों हमें तुरंत परम शांति प्रदान करती है। साधकों ऐसा ना हो तो व्यक्ति क्या करे, एक सामान्य व्यक्ति क्या करे, हमारे जैसा व्यक्ति जिनको परमात्मा की योजनाओं का कोई बोध नहीं होता, कोई पता नहीं चलता, तो वह दुखी व्यक्ति क्या करे, वह असमंजस के समय क्या करे। राजा रघु हुए हैं प्रभु राम के पूर्वज, राजा दशरथ के भी पूर्वज, जिनके नाम से रघुकुल चला है। मन ही मन हुआ बहुत हो गया राजपाट, इस संसार में तो व्यक्ति काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि से वासनाओं से घिरा रहता है, यह रह के काम नहीं चलने वाला, कहीं मुझे एकांत में जाना चाहिए परमात्मा की भक्ति करने के लिए, तपस्या करने के लिए। आज सब कुछ अपने पुत्र को सौंप के, राज्य इत्यादि सब कुछ अपने पुत्र को सौंप के, तो किसी निर्जन स्थान पर जंगल में राजा रघु चले गए हैं। वहां जाके तपस्या कश्यप आरंभ कर दिया है, कैसा जीवन होगा तनिक कल्पना करके देखिएगा, कहां राजसी जीवन राज्य भोग और कहां पता नहीं पत्ते मिलते होंगे खाने को।